हर घर की सच्चाई। हर घर में एक कुर्सी ऐसी जरूर होती है जो कि कपड़े रखने के लिए होती है। आपके घर में भी होगी कपड़े रखने के लिए कुर्सी। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कोरे कागज पर लगा अंगूठा फांसी के फंदे पर लटकने के बराबर है। रही बात आवश्यकता की, तो वो तो जहर पीने की भी नहीं होती, मगर मजबूरी में इंसान को पीना पड़ता है। अगर आपकी आवश्यकता है तो अंगूठा लगाओ। वो कहती है कि शुक्र करो नहीं मिली सीधी सादी सी। अब सोचता हूं अगर ये सीधी सादी है तो तेज तलवार क्या होती होगी। एक बात सोच रहा हूं, राम जी ने घर छोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, सिद्धार्थ ने घर छोड़ा गौतम बुद्ध बन गए, महात्मा गांधी ने घर छोड़ा राष्ट्रपिता बन गए, आपका क्या विचार है? अब तुम भी हमारी साहूकारी के वो पंछी बन चुके हो जो फड़फड़ा तो सकते हैं मगर उड़ नहीं सकते, उड़ोगे तो पलकार दिए जाएंगे। बेवफाई भी उतना दर्द नहीं देती जितना यूट्यूब का 30 सेकंड का एड देता है वो दर्द, और वो दर्द स्पेशल जो वो एड स्किप भी नहीं होता 3 सेकंड तक। आज सुबह सुबह वाइफ का फोन आया, बोली आंखों में आंसू दे, रो रही थी, आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सॉरी माफ कर दो, आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। मेरा भी दिल भर आया, पता नहीं किसकी वाइफ का फोन था, रॉन्ग नंबर था। स्पेशल मेहमान, भले ही घर पे अंदर 2 घंटे से बैठ के बात कर रहे हो, जब तक गेट पकड़ के 10 मिनट तक बात न कर ले जाते जाते मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। एक बात का जवाब चाहिए था, प्रेम मोहब्बत प्यार इश्क इन सब में एक अक्षर विकलांग क्यों है? लड़कियां कभी भी आसानी से प्रपोज नहीं करती, मगर इस बात को समझने की कोशिश करो, बरसों पहले सुपर्णा की नाक इसी कारण से काट दी गई थी, वो डर आज भी जिंदा है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, हम क्योंकि हफ्ते में एक बार नहाते हैं इसे परफ्यूम बदलते हैं, फेयर लवली यूज करते हैं। सच सच बता दो सब लोग, स्कूल टाइम में स्कूल में बाथरूम जाने के बहाने पूरा स्कूल लंबा घूम के आना ये कौन कौन करता था? हर लड़की का सपना होता है उसे एक अच्छा प्यार करने वाला, हमेशा ख्याल रखने वाला एक संस्कारी पति मिले, मगर मैं अकेला किस किस के अरमान पूरे करूं।